तो चलिए आज बात करते हैं क्या कुछ आगे होने वाला है आपके फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में। अरमान और अभिरा की होने वाली है हल्दी सेरेमनी, जहां आप सब देखने वाले हैं कि जहां आप सब देखेंगे दादी सास सज डज कर रेडी हो गई है और माधव भी वही रेडी हो गया है अपने बेटे के हल्दी सेरेमनी के लिए। आप सब देखेंगे इस हल्दी सेरेमनी में भी आने वाला है बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि रूही अब अभिरा से बदला लेना चाहती है थप्पर का। वही आप सब देखने वाले हैं दादी सास सज डज कर रेडी हो गई है और वो विद्या से कहती है अरमान और अभिरा को जो हल्दी लगने वाली है वो बनाने के लिए। तो जहां आप सब देखने वाले हैं कि रूही इस हल्दी सेरेमनी में शामिल होगी और वो अभिरा से बदला भी लेते हुए दिखाई देने वाली है, क्योंकि विद्या जो हल्दी अभिरा को लगाने के लिए बनाएगी उस हल्दी में रूही कुछ ऐसा मिला देगी जिस वजह से अभिरा का स्किन जलन करने लगेगा। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा क्या रूही जो प्लान कर रही है अभिरा के खिलाफ, क्या वो इस प्लान में कामयाब हो पाती है या नहीं। फिलहाल तो कहानी में आने वाला है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहां पर रूही पूरा कोशिश कर रही है अरमान और अभिरा की शादी को तोड़ने के लिए, और साथ ही में अब रूही अभिरा से अपना तप्पर का बदला भी लेना चाहती है। रूही परिवार वालों को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया है और वो रूही सबसे पहले विद्या और दादी सा को अपने हाथ में लेती नजर आएगी। और रूही ने खुद कहा कि वो अब फैमिली के गुड बुक्स में आना चाहती है, ताकि जब वो कुछ गलत करे तब भी परिवार को रूही पर शक ना हो।